सुप्रभात बच्चों, मैं रीता वर्मा, आप लोग की हिंदी शिक्षिका। आज मैं कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 है वर्ण विचार। हम दिन भर में कई तरह की ध्वनियां सुनते और उच्चारित करते हैं, जैसे माँ माँ, चहचहाना आदि, जैसे मोती शब्द में चार ध्वनियां जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? मोती शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां जुड़ी हुई हैं? तो म हलन प्लस ओ प्लस त हलन प्लस दीर्घई, ये चार ध्वनियां जुड़ करके हमारा मोती शब्द बना। अब म हलन ओ त हलन और दीर्घई के और खंड नहीं हो सकते। अब इनके हम और ज्यादा खंड नहीं कर सकते, है ना? इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण या ध्वनि किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं हम लोग को बताऊंगी। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण या ध्वनि कहलाती है। जैसे इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसे ही हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं। अब है वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जब भी हम बोलते हैं तो वो किसी से भी सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है स्वर वर्ण बोलते समय। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ उ री ए ऐ ओ और अ, ये हमारा 11 जो हुए स्वर हो गए। अब स्वरों की मात्राएं, स्वर की भी अपनी मात्रा होती है। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है और मात्रा रूप में भी। स्वर मूल रूप में भी होता है और मात्रा रूप में भी। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब स्वरों के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के साथ जब हम स्वर को मिलाते हैं तो उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही चिन्ह स्वरों की मात्रा कहलाते हैं। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा जब मिलाते हैं तो उसे ही हम स्वरों की मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वर, उसकी मात्रा और व्यंजन के साथ उसका प्रयोग इस प्रकार है। जैसे ये हमारा स्वर हो गया अ आ ह्रस्व दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। अब इनकी मात्रा जो है यहाँ है अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा हमारा ये है, इससे हमारा शब्द बना। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती तो यहाँ हमारा जो शब्द बना इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, ये हमारा सिंपल है और इसे हम लिखते हैं कल। आ की मात्रा ये हुआ और इसे हमारा शब्द बना काम। हर्षई की मात्रा हमारा हर्षई हुआ और इससे शब्द बना हमारा किला। दीर्घ की मात्रा हमारा ये है और इससे शब्द बना हमारा किल। हर्षव की मात्रा हमारा ये है और इससे हमारा बना शब्द कुल। दीर्घ की मात्रा हमारा ये है और इससे बना हमारा शब्द कुल। री की मात्रा ये हुआ और इससे हमारा शब्द बना क्रिस। ए की मात्रा ये है और हमारा इससे शब्द बना केला। ऐ की मात्रा ये है और हमसे इससे शब्द बना हमारा कैमरा। ओ की मात्रा ये है
और इससे हमारा शब्द बना कोयल। अ की मात्रा ये है और इससे हमारा शब्द बना कौवा। तो इस तरह से स्वर की अपनी मात्रा होती है और इन मात्राओं को व्यंजन के साथ मिलाकर जब ये बनते हैं तो उसे ही हम स्वर कहते हैं। स्वर की अपनी किसी की जरूरत नहीं होती, स्वयं किसी की सहायता नहीं लेता स्वर, और व्यंजन वर्णों के साथ स्वर की व्यंजन वर्ण जब भी बनते हैं तो स्वर वर्णों के साथ मिलकर के ही बनते हैं। थैंक यू। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हुआ और इसे आप लोग बार बार पढ़िए, याद कीजिए और क्वेश्चन आंसर के लिए तैयारी कीजिए।